कौन जी रहा हमारी जिंदगी है, कभी है हम सफर कभी वो अजनबी है। गली लगा के जो गया है बेवफा तो क्या गिला है, मेरा गवाह है। You're crossing your limits, Mace. मैं तुम्हें बार बार वॉर्न कर रहा हूं, ये बातें मुझे मत सुनाओ। और अम्मी पर कयामत तो तब भी टूटेगी जब उन्हें पता चलेगा कि तुम निम्रा को लेकर पूरे शहर में किस तरह घूमते फिरते हो, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में। अगर उनको मालूम हो गया तो जानते हो क्या होगा, तब कयामत तुम पर भी टूटेगी और निम्रा पर भी। तुम बताओ तुम्हारी हाउस जॉब कैसी जा रही है हॉस्पिटल? अच्छी जा रही है। कल तुम हॉस्पिटल नहीं गई थी? नहीं नहीं, अस्पताल गई थी ना निम्रा, नवाल ने मुझे बताया था मोइस छोड़कर आया। तुमने ऑफिस नहीं जाना? बस अभी जा ही रहा था। निम्रा तुम्हें काम करना, तुम चली जाओ, मैं फिर कभी चक्कर लगा लूंगी। क्यों, अम्मी ने कुछ कहा है? नहीं, मना तो नहीं किया लेकिन बहुत सख्त लहजे में मुझसे बात करी थी, बहुत गुस्से में लग रही थी। वो सिर्फ गुस्से में लगती हैं, होती नहीं है, आप बेफिक्र होके जाएं। लेकिन अरे भाभी हिम्मत पकड़े जाएं, कुछ भी नहीं होगा और वैसे भी ये हिटलर है ना आपके साथ। मगर अम्मी, अम्मी का गुस्सा आपकी सेहत से ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है ना? जाएं, जाएं। शुक्र है उस घर में किसी को तो आका नहीं। निम्रा अरे भाभी छोड़े, मैं इसकी फजूल बातें बिल्कुल माइंड नहीं करता, आप लोग जाइए। जा, जा, जा। चलो देखी तुम, देखी तुमने मेरी बहू की मुंह जोरी कैसे, मेरे मना करने के बावजूद चली गई वो। पहले मेरे माथे पर एक शकन बर्दाश्त नहीं करती थी, वहीं के वहीं बैठ जाती थी, पर अब जैसे परवाह ही नहीं, सास कहां की सास बोलती रहे। हो सकता है वाकई उनकी तबीयत खराब हो। फजूल बात मत करो, अरे बच्चे पैदा करना कोई बीमारी है क्या? अच्छी खासी हट्टी कट्टी है, बस सैर सपाटे का दिल चाहा, पैर में चक्कर है, निकल गई घूमने फिरने। सब उसकी बहन ने पट्टियां पढ़ाई हैं। अरे भाई अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होगा। जैसे ये लड़की मेरे घर में आई है, मेरी जिंदगी में आई है, इसने सुकून ही गारत कर दिया मेरा। अरे तुम क्या बैठी हुई घुटने दबाती रहती हो हर वक्त, हमें आदत नहीं है इन चोचलेबाजियों की, जाओ अपना काम करो। काम होता नहीं, घुटने दबाने बैठ गई। अल्लाह मेरा सर, कुछ काबू नहीं आ रहा, कोई सिरा नहीं। अल्लाह पाक बचा ले मुझे, बचा ले, पता नहीं क्या करेगी ये लड़की, कहाँ से मेरी जान को चिमट गई, क्या करूँ मैं, करूँ क्या। हाय मेरा सर, हाय मेरा सर, हाय मेरा सर, हाय हाय। जूस पियो। निम्रा आप घर चलते हैं ना, बहुत देर हो गई है, मैंने खाना भी नहीं बनाया। नवाल नूर भी हैं घर पर, वो खाना बना देंगी, और तुम्हारे सास के अलावा और कौन है? उन्हीं की तो फिक्र हो रही है। बस कर दो नवाल, प्लीज बस कर दो, तुमने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा है? तुम और बेबी दोनों बहुत वीक हो, खून की भी बहुत कमी है, हम लोग तब तक घर नहीं जाएंगे जब तक सारे टेस्ट नहीं हो जाते। तुम ये बात फोन करके फैसल भाई को बता दो, ऐसे तो उन्हें फोन करके पूछना चाहिए, लेकिन हकीम साहब की दवाई खा खा कर खुद को बहुत सेहतमंद महसूस कर रही हो तुम, खुद बताओ इतनी वीकनेस में डिलीवरी कैसे करोगी? ठीक है,
मैं 10 मिनट में चेंज कर लेती हूँ। इवन आज मेरे फियांसे आ रहे हैं, अगर तुमने कहा है तो इनकार तो नहीं कर सकती ना। तुम आग से खेल रही हो सोनिया। मामा प्लीज, मैंने तुम्हें लाड प्यार से पाला, इसका ये मतलब नहीं कि तुम ये सब हरकतें करती फिरो। तुम्हारी हर ख्वाहिश, हर फरमाइश तुम्हारे मुंह से निकलने से पहले पूरी की है। अगर मैंने ऐसा किया क्या है? एक तरफ तुम्हारा मंगेतर और दूसरी तरफ फैसल, तुम्हें शर्म नहीं आई? एक शरीफ घराने की तुम इज्जतदार लड़की हो, तुमने जब फैसल को पसंद किया मैंने तुम्हारी हर तरह से सपोर्ट की, इसका यह मतलब नहीं कि तुम ये सब करती फिरो। अगर तुम्हारे मंगेतर को पता चल गया तो जानती हो उस रिश्ते का अंजाम क्या होगा? फैसल मर्द है, उसका कोई नुकसान नहीं होगा, तुम बदनाम हो जाओगी। मां हूं तुम्हारी, इसलिए समझाती हूं तुम्हें। बेगम साहिबा, आपसे कोई मिलने आया है। वो फैसल ने आना था, जब मैं उससे बात कर रही थी तो वो रास्ते में था। नहीं, वो नहीं है। तो फिर कौन आ गया? नाम पता तो पूछ लिया करो। बेगम साहिबा, मोइस साहब आए। काफी फ्रेश लग रही हो। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है बाहर निकलकर। शुरू शुरू में कैसल बाहर ले जाते थे, लेकिन फिर अम्मी ने मना कर दिया। अच्छा, ये बताओ खाना कहाँ खाए? मुझे गोलगप्पे खाने। क्या? हाँ, और साथ में दही बड़े भी। मगर नवाज, अगर मगर कुछ नहीं, खुद ही तो कहती हो कि अपनी ख्वाहिशों को नहीं दबाना चाहिए। ओके, लेकिन अगर तुम अपनी ये ख्वाहिश अपने हस्बैंड के सामने भी रखो ना तो अच्छा होगा। एक अच्छे हस्बैंड होने के नाते उनका फर्ज है कि वो तुम्हारे नखरे उठाए। ये तुम क्या कह रही हो? बस अब और बर्दाश्त नहीं होगा फैसल। मैंने क्या किया है? कभी तो मैं तुम्हारी बीवी के खिलाफ किया? बोलो। तो फिर मोइस को क्या हक पहुंचता है कि वो मेरे घर आकर मामा के सामने मुझे इस तरह से जलील करे? मुझे मोइस से उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मेरा तुम्हारे साथ खाना खा लेना इतना बड़ा जुर्म था? बोलो। इतना दुख तो उस वक्त नहीं हुआ था फैसल, जब तुमने मुझे ठुकराया था। मोइज की शादी के बारे में कुछ सोचा आपने? क्यों? क्यों आपको उसकी शादी नहीं करनी? वैसे भी अगर वो निम्रा से। हरगिज नहीं। तुमने उसका नाम भी क्यों लिया? कैसी बात कर रही हैं? दोनों एक ही घर में रहते। अगर शादी करने का फैसला कर लिया उन्होंने तो आप क्या करेंगी? अस्सलाम वालेकुम बब्बू। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत तो है? तुम्हें कैसे ख्याल आ गया अपनी फूफी का? कुछ नहीं, यहाँ करीब में काम से आया था, सोचा आपसे मिलता जाऊं। इससे पहले तो कभी तुम्हें ख्याल नहीं आया? मैं तो भूल ही गई थी कि मेरे दो भतीजे हैं। पप्पू, इसमें मेरी गलती तो नहीं है ना कि हम लोगों के घरों के रिश्ते कुछ अच्छे नहीं है? यूं क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी माँ ने कभी सगे रिश्तेदारों से मिलने ही नहीं दिया? पप्पू, मैं पुराने झगड़े नहीं खोलने आया, प्लीज। तो फिर किस लिए आए हो जब कोई पुराना ताल्लुक ही नहीं रहा? जान क्यों नहीं छोड़ देते हमारी तुम लोग? मैं समझा नहीं। नहीं, तुम भी ना समझो और तुम्हारा भाई भी। उससे कहो सोनिया का पीछा छोड़ दे, या ये कि माँ की पसंद की हुई लड़की से उसका दिल भर गया है। देखो मोइस, सोनिया नादान है और कमोड, वो फिर से फैसल की बातों में आ गई है। मगर ये फैसल क्या करता फिर रहा है? अपना घर बर्बाद कर रहा है और सोनिया की जिंदगी भी। आमना को ये सब नजर नहीं आ रहा? क्यों उसको इतनी ढील दे रखी है उसने? ऐसी बात नहीं है, वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। तो फिर हमारी जान क्यों नहीं छोड़ देते? छोड़ देंगे,
आप यहाँ सोनिया को समझाएं, मैं वहाँ भाई को रोकूंगा। देखें पप्पो, बात तो यह है कि ताली दोनों हाथों से बजती है। सोनिया भी कल की बच्ची नहीं है कि उसको सही और गलत का फर्क नहीं पता। खैर चलता हूँ। मामा, आपको मुझसे ये सब बातें करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें जितना तंग करना था तुम कर चुकी, और मुझे तुम्हारे जितने नखरे उठाने थे उठा लिए। अब बात है खानदान की इज्जत और वकार की। अगर तुम्हारी होने वाली ससुराल को भिनक भी पड़ गई ना, सारे शहर में ढिंडोरा पीट देंगे। और कान खोल कर सुन लो कि अब तुम फैसल से नहीं मिलोगी, वरना मैं तुम्हारे बाप को बताने में एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगी। अगर तुम मिली तो हालात के जिम्मेदार तुम खुद हो। कोई फेवर नहीं दूंगी तुम्हें आइंदा। मामा, आंटी डॉक्टर कह रहे थे कि बहुत वीक हो गई है, ब्लड की भी बहुत कमी है, इसका बहुत ख्याल रखना होगा। तुम आ गई हो ना, रखना बहुत ख्याल। हम तो भी पुराने दौर के लोग हैं, हमें क्या पता कि कैसे ख्याल रखते हैं। अरे आंटी, आप कब से पुराने दौर की हो गई, इतनी यंग और स्मार्ट है। छोटी उम्र में ब्याह जो हो गया था, आजकल की लड़कियों की तरह थोड़ी 30-30 साल की हो गई और शादी का नाम नहीं लेती। लो, आ गए तुम्हारा ख्याल रखने वाले। क्या क्या कहा है डॉक्टर ने? कहना क्या है, दवाइयों का ढेर लिख के दिया। डॉक्टर ने ये कहा है कि इनके हस्बैंड को इनका बहुत ख्याल रखना होगा। हाँ भाई, कैसे अब सब काम धंधे छोड़ो और लग जाओ बीवी की खिदमत में। तुम्हारी बेगम दुनिया का कोई अनोखा काम सर अंजाम देने जा रहे हैं। खाना लगाओ आपके लिए। बनाकर गई थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, नूर बीबी को आज मना कर दिया। दवाइयाँ खानी थी मुझे, दूध पापे खा लिए मैंने। फैसल को भी वही दे दो। नहीं, उसकी जरूरत नहीं, मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर लेता। लो, अब ये दिन भी देखना था, बच्चे को घर का खाना भी नसीब नहीं है। तुम क्या कह रही हो? बस अब और बर्दाश्त नहीं होगा फैसल। मैंने क्या किया है? कभी तो मैं तुम्हारी बीवी के खिलाफ किया, या मैंने तुमसे कहा कि मैं तुमसे दोबारा ताल्लुक बनाना चाहती हूँ? बोलो। तो फिर मोइस को क्या हक पहुंचता है कि वो मेरे घर आकर मामा के सामने मुझे इस तरह से जलील करे? मुझे मोइस से उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मेरा तुम्हारे साथ खाना खा लेना इतना बड़ा जुर्म था। बोलो, इन लोगों ने तुम्हें मुझसे छीन लिया, फिर भी चैन नहीं मिला। इतना दुख तो उस वक्त नहीं हुआ था फैसल, जब तुमने मुझे ठुकराया था। सोनिया, तुम प्लीज रो तो नहीं। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे सिर्फ आंसू दिए हैं फैसल, लेकिन मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, क्योंकि सारा कसूर मेरा था, सारी गलती मेरी थी। मुझे अपनी तमाम लिमिट्स क्रॉस कर चुका है, मुझे उससे बात करनी होगी। रहने दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम हो। मैं तो वैसे भी चंद दिन की मेहमान हूँ,
फिर तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे मुल्क से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। बस दुख तो इस बात का है कि मैं खुशगवार यादें अपने साथ ले जाना चाहती थी, मगर एक बार फिर दुख ही मेरा हमसफर बना। तुम तो ना समझो और तुम्हारा भाई भी, सोनिया की मंगनी हो चुकी है और एक दो माह में शादी हो जाएगी। उससे कहो सोनिया का पीछा छोड़ दे, या ये कि मां की पसंद की हुई लड़की से उसका दिल भर गया है। तुम सोनिया के घर गए थे? बड़ी जल्दी खबर पहुंचती है आप तक। देखो मोइज, मेरे मामलात से दूर रहो। आपका भाई हूं और आपसे बहुत प्यार करता हूं, अगर आपको कुछ गलत करता देखूंगा तो चुप नहीं रहूंगा। अरे तो मैं क्या गलत कर रहा हूं? सोनिया से सिर्फ दोस्ती है मेरी यार। दोस्ती से कुछ ज्यादा ही। एनीवेज, तुम फूफो के घर गए, उनकी जाके बेइज्जती की, बदतमीजी की, क्यों? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया भाई। तो क्या सोनिया झूठ बोल रही है? यकीनन झूठ बोल रही है। वो अभी भी आपके साथ लॉयल नहीं है भाई, वो सिर्फ आपसे बदला ले रही है आपके इनकार करने का। भाई अगर आप नहीं संभले तो मुझे अम्मी को बताना पड़ेगा, बस। अच्छी बात, बहुत शौक से बताओ, सारी बात बता दो उनको, लेकिन उसके बाद जो ख्वाब तुम देख रहे हो उससे भी दस्तबरदार होना पड़ेगा तुम्हें। मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी भाई। ऑनेस्टली मुझे भी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आज माँ के पास बैठने की फुर्सत मिल गई, दे दी इजाजत तुम्हारी बेगम ने। नहीं, उसने मुझे कब रोका है आपके पास बैठने से? और अगर वो रोके भी की तो आपको क्या लगता है कि मैं उसकी बात मानूंगा? बस रहने दो, जो जितना सीधा नजर आता है अंदर से उतना ही गहरा होता है। पहले पहल तो मेरी मर्जी के बगैर तिनका भी यहां से वहां नहीं करती थी, और अब मनमानी करती रहती है हर वक्त। और जब से ये निमरा आई है इस घर में, पता नहीं दोनों मिलके क्या क्या करती रहती है, मुझसे तो कोई कुछ पूछता ही नहीं। मोइज की शादी के बारे में कुछ सोचा आपने? क्यों क्यों आपको उसकी शादी नहीं करनी? वैसे भी अगर वो निमरा से। हरगिज नहीं। तुमने उसका नाम भी क्यों लिया? कैसी बात कर रही हैं, दोनों एक ही घर में रहते, अगर शादी करने का फैसला कर लिया उन्होंने तो आप क्या करेंगी? मेरा मोइस मेरी मर्जी के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। सही बात है, हर बेटा मेरी तरह का नहीं होता है, जो अपनी खुशी अपनी माँ के लिए छोड़ दे, कुर्बान कर दे, उससे दस्तबरदार हो जाए। मोइस तो आपका लाडला है, अपनी हर बात मनवाएगा आपसे, देख लीजिएगा। इस घर में सिर्फ मेरी मर्जी की बहू आएगी, क्योंकि मुझे पता है मेरे बेटों के लिए क्या बेहतर है। हेलो, हाँ ठीक कह रहे हो, बस चल दिए। Thank you.
अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम हमदान। बाजी ये इस महीने का किराया। ये लो, ये तुम रख लो। ये आखिरी नोट जो मैंने आपसे लिया और ये आखिरी लिफाफा जो मैंने आपको दिया। क्यों? किराएदार घर छोड़कर जा रहे हैं क्या? नहीं, मैं जा रहा हूं। तुम कहां जाओगे? बाजी उस घर पे रहा नहीं जाता मुझसे, जहां आपकी बातों की आवाजें आती थी, जहां साहब बैठते उठते थे, अब वहां किसी और को देखना बहुत तकलीफ होती है बाजी। तुम्हारे वहां होने से हमें बहुत हौसला था। उन्होंने साहब के स्टडी को बच्चों का कमरा बना दिया। और अब्बा का सामान? वो सारा सामान और किताबें मैंने तहखाने में संभाल के रख दी है, आप जाके ले लीजिए। अब वहां जाजिब नहीं होते, कबीर साहब ने उन्हें बाहर भेज दिया। आप कभी कभी जाकर घर देख लीजिए। मुझे इजाजत है, अल्लाह हाफिज। मैं बस नाश्ता बनाने ही वाली हूँ। नूर बीबी रात को बर्तन धोकर नहीं जाती क्या ऊपर? वो बर्तन तो धोकर गई थी, शायद निमरा ने रात में कुछ बना लिया होगा। एक्चुअली वो पूरी रात पढ़ती रहती है ना, तो शायद भूख लग गई होगी। ये तो किसी ने सिखाया पढ़ाया नहीं होगा कि गंदे बर्तन फौरन धोते। अरे भाई पूरी रात ये गंदे बर्तन पड़े हुए बद्दुआएं देते रहे होंगे। अम्मी अंडे खत्म हो गए हैं, नाश्ता बनाना था। अरे भाई अभी परसों ही तो अंडे मंगाए थे, क्या सब खत्म हो गए? जी। लो पूरे महीने का राशन 15 दिन में खत्म। अरे बीबी तुम्हारे हाथ में मैंने घर का निजाम क्या दिया, सब चीजें बेतरतीब कर दी तुमने, बस जैसे कि अख्तियार छोड़ने की ही देर थी मेरे। अब किचन को भी ताला लगाना पड़ेगा। अंडे खत्म हो गए बस। रिश्ता मैं देख रहा हूँ, एक डॉक्टर है मेरी नजर। तो किस बात की कबाहत है, आप उन्हें बुला लें। मसला ये है अमना बीबी कि वो लड़का पहले से शादीशुदा है। अब्बा नहीं रहे तो मैं उनके सामान का क्या करूंगी? चीजों की अहमियत इंसान से होती है, क्या उनकी यादों से, क्या हमारे दिन में। और वैसे भी मेरा कौन सा घर, तुम ये सब कुछ संभालती फिर। के बाद मैं तुम्हें इस घर में एक स्टडी बना के दूंगा जिसमें तुम्हारे बाकी सारी किताबें रखेंगी, उनका मेज
उनकी अनक, उनकी वो कथा जो जो पढ़ते छोड़ गए थे, और उनकी वो तस्वीर जो हमेशा अपने टेबल पे रखा करते थे। क्या तुम वाकई ये सब कुछ करोगे? मैं तुम्हें खुश देखने के लिए कुछ भी कर सकता। काफी टाइम हो गया तुमने कोई नई पेंटिंग नहीं बनाई। जिस चेहरे को मैं कैनवस पे उतारना चाहता था वो तो हमेशा के लिए मेरे सामने। तुमने डरा दिया मुझे। मैंने तुम्हारी आहट सुनी, सोचा तुम यही हो। हाँ वो चाय पीने का दिल कर रहा था लेकिन किचन लॉक है। हमारे घर का किचन कभी लॉक ही नहीं हो सकता। अरे अंदर से लॉक हो गया होगा, मैं भाभी से चाबी लेकर आता हूँ, ओपन इट फॉर यू। नहीं मोइस टाइम देखो, इस वक्त जगा होगी उन्हें। अरे भाभी है मेरी, कोई बात नहीं। मोइस हाँ कुछ नहीं। क्या हुआ? ऐसी बात कर रही हैं, दोनों एक ही घर में रहते हैं। अगर शादी करने का फैसला कर लिया उन्होंने तो आप क्या करेंगे? वो ही हो गया जिसका डर था। शक तो मुझे शुरू दिन से था कि सब मिलकर मोइस को फंसा रहे हैं। मोइस यूं ही तो भाग भाग के भाई की ससुराल नहीं जाता था ना, कि मैं निम्रा और मोइस की शादी करवा दूं तो वो मुझे पसंद नहीं। लेकिन मोइस को तो पसंद है, अगर नहीं करवाती तो एक बार फिर वही सब। या अल्लाह, असल की बात तो और थी। मोइस तो बहुत हसास बच्चा है वो। हर बेटा मेरी तरह का नहीं होता है जो अपनी खुशी अपनी माँ के लिए छोड़ दे, कुर्बान कर दे, उससे दस्तबरदार हो जाए। मोइस तो आपका लाडला है, अपनी हर बात मनवाएगा आपसे, देख लीजिएगा। नहीं इस तरह तो फैसल मुझसे और बदगुमान हो जाएगा, वो तो पहली बीवी की ज्यादा सुनने लगा है। ये सब मेरी गलती है, मुझे नवाल को इतनी ढील देनी ही नहीं चाहिए थी। और अब की दोनों बहनें मिलकर इस घर पर काबिज होना चाहती हैं, दोनों बेटे इनके काबू में।
मैं क्या करूंगी आगे जाके? ये दोनों मिलकर तो मुझे मुने में डाल देंगी। नहीं, कुछ भी करके निम्रा को यहां से भेजना होगा। मैं यहां नहीं रह सकती। सुकून करके खुद कितने सुकून से सो रही है। मेरे मासूम से बेटे को वरगला लिया। दोनों बहनें कितनी बड़ी जादूगरनियां हैं। सारी जिंदगी ससुराल की जूतियां सीधी करती रही और एक ये है कि आते ही घरवालियां बन गई। नहीं, ये घर भी मेरा है, ये बेटे भी मेरे हैं। जीते जी उन्हें तुम लोगों के सुपुर्द नहीं करूंगी। तुम अपने जाने की तैयारी कर लो निम्रा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छे वक्त पर आ गए हैं मोइस, बहुत अच्छी चाय बनाई है मैंने। अच्छा भाई, लगता है तुमसे बावर्ची खाना बिल्कुल नहीं संभाला जाता, या फिर दो चार लोगों की और जरूरत है नूर बीवी के साथ। ये भी कम पड़ते हैं। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरा मूड हो रहा था चाय बनाने के लिए, तो बना दी। वैसे भी डॉक्टर ने मना किया नवाल को काम करने से। ठीक है, तो कल से फिर मैं खुद ही बावर्ची खाना संभाल लूंगी। नहीं आंटी, इसकी भी जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, और मेरे साथ वो बीवी भी है। मैं कर लिया करूंगी आंटी, वैसे भी डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट के लिए नहीं कहा। भाभी, कल किचन लॉक क्यों था? लॉक तो नहीं था। तुम्हें रात को किचन की क्या जरूरत पड़ गई? मैंने सारा काम खत्म कर लिया था, तो चाय पीने का मूड हो रहा था। वैसे लॉक लग गया होगा। मैंने लॉक किया था। खैरियत? इस घर में खाने पीने के, सोने जागने के औकात मुकर्रर थे, कुछ उसूल थे जिसकी पासदारी जरूरी थी। फिर अब मैं देख रही हूँ उस घर का पूरा माहौल ही बदलता जा रहा है। ये उसूल आज से नहीं थे, तुम्हारी दादी के जमाने से चले आ रहे हैं। पता नहीं क्या हो रहा है, किसी चीज का कोई वक्त ही नहीं रहा। ऐसा नहीं होता। हमें लेकिन फूक तो कभी भी लग सकती है ना। रात भर अला भला खाओगे तो सुबह क्या खाक भूख लगेगी? रात 9 बजे तक जो कुछ खाना पीना करना हो कर लिया करो। कान खोल कर सुन लो, रात 9 बजे के बाद मैं बावर्ची खाने में ताला लगा दिया करूंगी। आज तो सही मायनों में दादी अम्मा की याद आ गई। और कुछ हुक्म वालदा? कुछ नहीं, नाश्ता करो। जी, वो जो चाय आप कह रही थी दें।
रात 9 बजे तक जो कुछ खाना पीना करना हो कर लिया करो। रात 9 बजे के बाद मैं बावर्ची खाने में ताला लगा दिया करूंगी। निम्रा, अपने धोने वाले कपड़े अलग कर दो। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं छुट्टी वाले दिन खुद धो लूंगी। हरगिज नहीं। कौन सा मैं धो रही हूँ, नूर बीबी धोएंगी ना? आंटी, ये सब कुछ मेरी वजह से कर रही है ना? ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल अगर कोई भी काम मामूल से थोड़ा हटकर हो जाए ना तो वो परेशान हो जाती है, तो मैं फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, टेंशन नहीं लो। और मोइस के होते हुए किसी को किसी भी किस्म की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। ये क्या है? केटल। क्यों? चाय बनाने के लिए। यहाँ क्यों लाए हो? ताकि आप चाय बना सके। इसकी जरूरत नहीं है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस घर के हालात के मुताबिक खुद को एडजस्ट कर लूं। अभी तो तुम इस घर की मेहमान हो, मगर इस घर का बाजाब्ता हिस्सा बनने तक तो एंजॉय करो ना। चलो, मैं तुम्हारे लिए टी बैग्स और दूध वगैरह ले आता हूँ, कुछ सम बिस्किट्स। बस हकीम साहब, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, बस सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। आप जल्दी से कोई रिश्ता ढूंढें ताकि ये लड़की ठिकाने लगे। क्या हो गया आमना बीबी, आप तो बहुत मुतहम्मिल मिजाज खातून हैं, थोड़ा तहमुल और हौसले से काम लें। हकीम साहब, मैं यहाँ तहमुल और हौसले से काम लेती रह जाऊंगी और सारा मामला चौपट हो जाएगा। रिश्ता मैं देख रहा हूँ, एक डॉक्टर है मेरी नजर। तो किस बात की कबाहत है, आप उन्हें बुला लें। मसला ये है आमना बीबी कि वो लड़का पहले से शादीशुदा है। आओ, बैठ के बात करते हैं। हाँ, छोड़ो मेरा। छोड़ने के लिए नहीं पका। अम्मी, आपको एक जरूरी बात तो बताना ही भूल गया मैं। कल रात को नवाल ने मुझसे मोइज़ और निम्रा के रिश्ते की बात की। आज निम्रा को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, उससे कहना तैयार हो जाए। बहुत अच्छा खानदान है, अच्छे लोग हैं, फैसल ने सारी मालूमात भी कर ली है। दोनों बहनों की यही मिली भगत थी, रिश्ते से हटाकर तुम कब्जा करना चाहती हो हर चीज पर। क्या हुआ? मैं तो वक्त पर आ गई थी, लेकिन आपके मेहमान वक्त पर नहीं है। इससे कहो मेरी नजरों के सामने से चली जाए, नहीं तो मैं इसका गला दबा दूंगी।